दारोगा का हत्या का आरोपी कई दिनों से चल रहा था फरार। कई टीमों का गठन कर की जा रही थी तलाश। हत्या के आरोपी से जैतपुर पुलिस की कमतरी पुल पर मुठभेड़। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की जा रही थी चेकिंग। पुलिस को सामने देख भागने का किया प्रयास। रोकने पर आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में आरोपी विश्वनाथ के दोनों पैरों में लगी गोली। उपचार के लिए किया गया हॉस्पिटल में भर्ती। हत्या के आरोपी के पास से दो देसी तमंचे व बाइक बरामद। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। सर क्या पूरा मामला है आज का? देखिए, दो दिन पहले थाना खंडौली क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव की हत्या विश्वनाथ द्वारा की गई थी। उसी समय से इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके लगातार टीमों का गठन करके श्रीमान SSP महोदय द्वारा स्वयं निरीक्षण इसका जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज विश्वनाथ की एक जगह पे मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में थाना जैतपुर और खंडौली की टीम ने थाना क्षेत्र जैतपुर में बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा था। विश्वनाथ को जब आते हुए उन्होंने देखा तो रुकने का उन्होंने इशारा भी न किया था, वार्निंग दी गई थी। विश्वनाथ ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग अचानक से शुरू किया, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में उसके दोनों टांगों पे गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। मौके से दो तमंचे और बाइक जो है वो बरामद की गई है और जिसको गोली लगी है विश्वनाथ को उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल एड के लिए भेजा गया।